जी वेस, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं, बड़े सीरियस बात हो रही है जी लिवर पे, और डॉक्टर साहब जो है हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हम ऑटोमेटिकली डर रहे हैं बिकॉज इतनी ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात की थी कि सिरोसिस हो जाता है और गले की जो खाने की जो नाली है, पाइप, जैसे इसोफेगस कहते हैं, उसमें वेसो डायलेशन हो जाती हैं, फिर क्या होता है इसमें? पेशेंट को क्या पता चलता है? पेशेंट को क्या, उसको उसको क्या पता चलता है क्या हो रहा है? देखिए, ये जो सिरोसिस जिसे हम बात कर रहे थे, उसकी जो सबसे कॉमन जो कॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। और सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि सहाला साल ये बीमारी अंदर मौजूद होती है, आगे बढ़ रही होती है, लेकिन इसकी कोई अलामतें सामने नहीं आती और लोगों को पता भी नहीं चल पाता। और फिर एक वक्त आता है कि जिगर सुकड़ जाता है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दर्द नहीं होता, वो कहते हैं जिगर में दर्द या नहीं, वो कुछ भी नहीं होता। नहीं, वो सिर्फ शायरी में ही वो है। बाकी ये कि जो है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जब सामने आती हैं तो फिर जाके मरीज को पता चलता है कि अरे, डॉक्टर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो फिर डॉक्टर उनको बताएगा कि जी आपका तो जिगर सुकड़ चुका है और उसकी वजह से अब ये पेचीदगियाँ। अब इसमें एक्यूट और क्रॉनिक का भी फर्क आता है? एक्यूट तो खैर एक्यूट लिवर फेलियर एक अलग चीज़ है कि जिसमें किसी चीज़ ने लिवर को एकदम से इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया कि पूरा लिवर फेल हो गया। और अभी बात करते हैं सर, हमारे पास दो कॉल्स हैं, पहले एक एक करके एक एक कॉल अटेंड करते हैं, फिर डॉक्टर साहब की वाली बात पे कि लिवर एकदम से डैमेज हो गया इससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं खालिद बात कर रहा हूँ जनाब, हैदराबाद से। जी खालिद साहब, कैसे हैं आप? जनाब मसला ये है कि आप जो है ये मतलब कि हर बीमारी के बारे में ये वो बताते हैं, हाई डायनामिक किस्म के अल्फाज भी बताते हैं, समझ में नहीं आते। अच्छा, मेरे पास जो हमारी ज्यादातर समझ में नहीं आते। असल बात ये है कि आप जो है ये सारे डॉक्टर साहबान जो है ये जो हमारे यहाँ जो खासतौर पर LMC और ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे हफ्ते में 3 ट्रक्स आती है ड्रग्स की, जो ये डॉक्टर साहब खुद ही बेचते हैं, समझे ना। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो है डॉक्टर साहब मिलके कोई ऐसा कोई प्लान तजवीज करें कि कोई फ्री इलाज या कोई सस्ता इलाज गरीब लोगों को प्रोवाइड हो सके। बस यहाँ आप आते हैं, बैठते हैं, हाइडाना में किस्म के लाल अफाल बताते हैं और इलाज देखो तो 12-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। वो तो है, आप ये बताएं कितना जुल्म है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास यहाँ आए सदर में आके देखें तो सही डॉक्टरों की हालत क्या है। सरकारी हॉस्पिटल में देखते नहीं है, वहाँ 500-1000 रुपये फीस लेते हैं, 5000 रुपये टेस्ट लिख के देते हैं। अब गरीब आदमी जो है वो कहाँ से जिगर का इलाज कराए। बहुत ज्यादा बहुत जगहें ऐसी भी हैं, अगर आप जिस तरह सिविल हॉस्पिटल चले जाए इन जगहों पे, तो वहाँ पे तो काफी फ्री इलाज भी होते हैं, फ्री में टेस्ट भी हो जाते हैं। आप सिविल हॉस्पिटल कभी गई हैं? आप मेरे साथ करके देखें तो सही सिविल हॉस्पिटल का असर क्या है। जा चुके, बिल्कुल जा चुके, बिल्कुल। भेड़ बकरियों का असर भी अच्छा होता है, वहाँ इंसानों का इतना असर हो रहा है। ये तो है, ये तो मतलब हम ये कुछ नहीं, इनफैक्ट एक दो हॉस्पिटल ऐसे, मेरे साथ इंडस हॉस्पिटल है, आपने इंडस हॉस्पिटल देखा है? गए हैं आप वहाँ पर? इंडस हॉस्पिटल मैंने आरा फ्री ऑफ कॉस्ट देखा हुआ है। इंडस हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टॉप क्लास एनवायरनमेंट। सर ये तो एक ही हॉस्पिटल है। हाँ तो जाइए, पूरे पाकिस्तान में से कोई हर जगह पे एक ही हॉस्पिटल में तो नहीं आ सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा NGOs हैं, बहुत ज्यादा चैरिटेबल NGOs हैं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर और जो है ये क्या नाम है वो जो है गरीबों का इलाज करें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वो जो बेचारे, मुझे लग रहा है कि ही हैज बीन थ्रू समथिंग, कुछ उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है व्हिच इज वेरी सैड। एंड देखिए, ऑब्वियसली पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती इसी, और हर प्रोफेशन की तरह डॉक्टरी के पेशे में भी बहुत से लोग ऐसे हैं। इवन अगर ब्रॉडर कैनवस पे देखा जाए तो क्वैक्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, बहुत सारे दूसरे जो दूसरी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ से जो रिलेटेड लोग हैं वो फॉल्स क्लेम्स करते फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी हमारे मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर फेरेंथ्रोपिस्ट की कमी नहीं है। इतने यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं। अब शायद वो इंटीरियर में
अंदरूने सिंध या वहाँ पर शायद वो चीज़ें ना हों, लेकिन इस शहर में अगर आप देखिए तो डॉक्टर अदीब रिजवी का जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन है, वहाँ पे जिगर का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिविल हॉस्पिटल में सर्जिकल यूनिट 4 है, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट उसी सिविल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल जिसकी अभी जी आप बात कर रहे थे। इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। और शायद इनको नहीं पता कि कराची के सबसे सीनियर कंसल्टेंट्स, जिसमें मेरे उस्ताद डॉक्टर साद नियाज भी हैं, तो जो वहाँ पे जाके बगैर किसी चार्ज के और एक से एक वहाँ पे वो हो रहा होता है। तो अपने अपने मेरी अपनी मैं अपनी एक छोटी सी मैंने एक चैरिटेबल अपनी एक क्लिनिक की हुई है, जहाँ पे मैं एंडोस्कोपीज बहुत ही मिनिमल रेट्स पे। तो अच्छे और ढूंढिए बुरे, सर, हाँ सब सब मिल अच्छे और जाता है। बुरे, हाँ अच्छे और बुरे लोग हर हर जगह हर प्रोफेशन में होते हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसे को ही अपना किबला बनाया हुआ है। वो ज्यादा अरसा स्टे नहीं कर पाते ऐसे लोग, और हाँ, इतनी इनकी चीज पता चल जाता है ऐसे लोगों का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी डॉक्टरी के पेशे में मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स हैं वो अपने मतलब मरीज के लिए जहाँ जिस हद तक मुमकिन हो सके। करते हैं, बिल्कुल अब करते बहुत हैं। सारी चीज़ें जो हैं जाहिर है कि उनके डोमेन से बाहर हैं। अब अगर एक जो दवा है वो महंगी है, अब उसकी कॉस्टिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, और एक तो टेस्ट है उसके ऊपर जो खर्चा है वो तो होगा, हाँ। उसका तो कोई कुछ नहीं तो कर और सकता। जहाँ तक मैं इनकी बात से कहूँ कि सिविल हॉस्पिटल या इस तरह के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, तो लोगों को उनको बहुत सराहना चाहिए कि मिनिमम अवेलेबल फैसिलिटीज़ में वहाँ पे डॉक्टर्स मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी कि हम लोगों ने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करी थी, तो ये जिस माहौल में थोड़ी देर के लिए जाते हैं और घबरा के बाहर निकल आते हैं, हम 36 36 घंटे उस जगह होते थे, और हमारे बस में जो भी होता था वो हम अपने मरीजों के लिए करते थे। तो मिनिमम अवेलेबल फैसिलिटीज़ में मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो जहाँ कोई ख़राबी है तो उसकी निशानदेही कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसको उसको सराहिए भी। अप्रिशिएट जरूर हाँ कीजिए। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा हाँ है जी, हेल्दी मॉर्निंग, मैं सोहेल बोल रहा हूँ कराची से। जी सुहेल अच्छा, साहब, कैसे हाँ हैं जी, आप? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा, मैं डॉक्टर फैसल से मालूम करना था कि मेरी वाइफ है, उनको 2008 में ना उनकी डिलीवरी थी, बेबी हमारा हुआ था, तो उस वक्त हमने पहले टेस्ट करवाया तो उन्हें ब्लड एक फ्री मिनट, आया कोई कुछ था। समझ नहीं आया, दोबारा बताइए उनको 2008 में क्या हुआ था। 2008 में ना हमारा बेबी हुआ था ना, उससे पहले मैंने टेस्ट करवाया तो उनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया ना, तो अभी बेबी से पहले जैसे टेस्ट कराया था तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। अच्छा बी ठीक है, पॉजिटिव आया उनको, अच्छा ठीक है। तो शी इज नाउ प्रेग्नेंट, 5 months प्रेग्नेंट। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर हम उनका ट्रीटमेंट लें तो क्या इस दौरान में हम ले सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है अभी, तो अगर लें तो किस तरह हो सकता सुहेल है मतलब साहब, कि बहुत वो। कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। नहीं, आपका पहला बेबी मैं होने से पहले हेपेटाइटिस बी डायग्नोस हो चुका था, जी जी बिल्कुल तब उनका आपका पहला बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। जी बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी अच्छा, हेल्दी अब बेबी ये है हमारी। दूसरी देखिए, बात। इसमें ये है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसमें एक्टिव अभी जो मेन जिस चीज़ का जो इनको जवाब इनको चाहिए होगा वो ये कि बीमारी एक्टिव फेज में है हाँ या वो एक कैरियर स्टेट में मौजूद है। इन एनी केस जो बेबी अब डिलीवर होगा, तो आजकल डिलीवरी के फौरन बाद बेबी को जो है एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है हेपेटाइटिस बी से हिफाजत के लिए जो भी टीके हैं वो लगा दिए जाते हैं, तो उससे तो काफ़ी हद तक बचत बच्चे को हो जाती है। जहाँ तक रहा सवाल माँ का, तो ड्यूरिंग डिलीवरी तो जाहिर है कि हम उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, और अभी तो इस सवाल का भी जवाब मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए सामने लाना पड़ेगा कि आया उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं। सही और है। हो सकता है कि बाज़ औक़ात जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो जरासीम पे काबू पा लेती है, उनको दबा देती है, और वो 2 से 4, 4 से 8 नहीं होते, और जरासीम गो के खून में मौजूद होते हैं लेकिन वो उनके जिगर से दोस्ती कर चुके होते हैं और जिगर को नुकसान नहीं पहुंचा लो रहे होते, जी, तो अच्छा उसको हेल्दी सुहेल साहब कैरियर। हैं आप अभी फोन पे, कुछ और पूछना चाहेंगे? हाँ, आ जाओ मतलब ये डॉक्टर कि फैसल के पास ही, आ हाँ, जाओ में। ठीक है जी, ओके, थैंक थैंक यू यू, सो अल्लाह मच फॉर हाफिज। योर कॉल, लव इट। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या, हेपेटाइटिस बी और सी? मैंने बी दिखा है, हेपेटाइटिस बी और सी, अगर जब आप टेस्ट कराते हैं ना अपने नॉर्मल, हम लोग रुपये उनकी पीसीआर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल टेस्ट कराते हैं तो नॉन रिएक्टिव लिखा आता है, तो नॉन रिएक्टिव का मतलब है दे आर देयर इन द बॉडी बट दे नॉट एक्टिव। नहीं, नॉन रिएक्टिव, देखिए इनिशियल जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं
उसमें एक एंटी एच सी वी है और एच बी एस ए जी, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस सी, ये दो प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं जो कराए जाते हैं, जिनमें से अगर कोई पॉजिटिव आए तो फिर बात आगे बढ़ती है कि अब देखा जाए कि वाकईतन जरासीम मौजूद हैं कि नहीं। अब आप एंटी एच सी वी की बात कीजिए, तो यहाँ भी मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा अगर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो शायद बहुत सों के बहुत से पैसे बच जाएँ कि एंटी एच सी वी तब ये एंटीबॉडीज़ तब पैदा होती हैं जब हेपेटाइटिस सी के जरासीम खून में दाखिल हुए, कभी ना कभी एक्सपोज होगा इंसान, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ सिर्फ ये बताती हैं कि जरासीम खून में आए थे, आया वो जरासीम अभी भी मौजूद हैं या नहीं ये पीसीआर के टेस्ट के ज़रिए पता चलेगा। हमारे बहुत से पेशेंट्स और इवन जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो भी एंटी एच सी वी रिपीटेडली कराते रहते हैं। हाँ, और मरीज इस उसमें गुमान में रहता है कि जी मेरा तो ये गायब ही नहीं हो रहा, टेस्ट जो है ना, हजार दो हजार ये गायब ही नहीं हो रहा। और तकरीबन 15-20% मरीजों में ऐसा होता है हेपेटाइटिस सी के, कि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बग़ैर किसी इलाज के जरासीम को ख़त्म कर देती है, और वो 6 महीने के अंदर अंदर वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो एंटी एच सी वी के बाद पी सी आर बताएगा आपको कि जरासीम इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं, और फिर उसका इलाज किया जाएगा, ठीक है। और यही जो है हेपेटाइटिस बी के अंदर भी ये है कि इसमें ये देखने के लिए कि जरासीम सरफेस एंटीजन तो मौजूद है, अब ये ताहियात रहेगा अगर इसको गायब